हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत की T20 टीम का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अभी वनडे और टेस्ट टीम की घोषणा होना बाकी है। और हाल की टीम को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज के खत्म होने के बाद दोनों टीमों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 की तरह ही वनडे और टेस्ट सीरीज के लिए भी रविवार को खिलाड़ियों के नाम तय होने थे, लेकिन सहमति ना बन पाने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन वनडे टीम के लिए एक ऐसे खिलाड़ी को लेकर चर्चा हुई जो करीब 20,000 रन बना चुका है, जो IPL के कई मैचों में अपना दम दिखा चुका है, और उस खिलाड़ी का नाम है अजिंक्य रहाणे। जी हां, खबर है कि टेस्ट टीम के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे को भी न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली वनडे टीम में शामिल किया जा सकता है। टीम चुने जाने को लेकर रविवार को हुई बैठक में भी रहाणे के नाम पर चर्चा की गई थी। पैनल के एक अहम सदस्य ने रहाणे को न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे टीम में लेने का सुझाव भी दिया। हालांकि बैठक में इसे लेकर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन माना जा रहा है कि देर सवेर रहाणे की वनडे टीम में वापसी हो जाएगी। रहाणे को भारतीय टीम में तकनीकी रूप से सबसे सक्षम बल्लेबाज माना जाता है। रहाणे ने पिछला वनडे फरवरी 2018 में खेला था, तब से लेकर रहाणे वनडे टीम से बाहर है। लेकिन अब खबर है कि न्यूजीलैंड दौरे के लिए वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान करने के लिए चयनकर्ता भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब 19 जनवरी को सीरीज खत्म होगी, उसके बाद चयनकर्ता टीम चुनने बैठेंगे, तो क्या उसमें रहाणे का नाम शामिल किया जाएगा। टीम इंडिया के लिए अजिंक्य रहाणे ने 63 टेस्ट मैचों में 11 शतकों से 4,112 रन बनाए हैं। वहीं 90 वनडे में उनके बल्ले से 3 शतकों की मदद से 2,962 रन निकले हैं। वहीं रहाणे ने T20 मैच 20 खेले हैं, जिसमें उन्होंने 375 रन बनाए हैं। रहाणे ने 142 फर्स्ट क्लास मैचों में 10,689 रन बनाए हैं, जबकि 167 लिस्ट ए मैचों में उन्होंने 6,054 रन बनाए हैं। वहीं रहाणे ने 196 T20 मैचों में 4,988 रन बनाए हैं। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने 20,000 से भी ज्यादा रन बना लिए हैं। वैसे रहाणे पारी को संवारने के साथ साथ तेज पारी भी खेल सकते हैं, और IPL में कई मौकों पर रहाणे तेज पारी खेल भी चुके हैं। तो देखना होगा कि क्या रहाणे को वनडे टीम में जगह दी जाती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या रहाणे को वनडे टीम में लेना चाहिए? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।